बट आपने अंग्रेजी में ग्रामेटिकल एरर कर दिया जो बात का मतलब था वो चेंज हो गया तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डिले हो जाएगी या फिर गलत इंफॉर्मेशन ही चली जाएगी बिल्कुल ग्रेविटी ऑफ लैंग्वेज राइट नाउ दे वांट टू सी दैट यू कैन राइट करेक्ट इंग्लिश और नॉट आपका ऑब्वियसली नेचर आपकी इंफॉर्मेशन भी चेक होती है थॉट प्रोसेस भी चेक होता है और किस तरीके से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं जब कोई मुद्दा होता है चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का हो सोशल हो इकोनॉमी हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखकर क्वेश्चंस के आंसर को लिखना या देखना या फिर प्रेसी राइटिंग करना उनसे उनको तीन चार चीजें निकल के आती है एक तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा है एक आपने किस लेवल पे पढ़ाई करी है और एक स्टिपलेटेड टाइम में आप इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हो कि नहीं एस वगैरह की और नेक्स्ट चीज जो निकल कर आती है कि आपकी इंग्लिश करेक्ट है कि नहीं ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं क्योंकि अगर वो सही नहीं है तो ऑफिशियल नेचर ऑफ जो वर्क है आई में जहाँ पे रिपोर्ट्स को शेयर करना है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है आप बहुत ज्यादा गलतियां करोगे इसीलिए ये सारी चीजें ये पेपर बनाया गया है ठीक है ठीक तो बहुत सिंपल पैटर्न है इसका एसे राइटिंग आपका थर्टी मार्क्स का है ठीक है कॉम्प्रीहेंशन प्रेसी राइटिंग आपका ट्वेंटी मार्क्स का है जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन है आपका टेन मार्क्स का और प्रेसी राइटिंग है टेन मार्क्स की यानी कि एसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए तो इफ आई मतलब जनरली पिछली बार के अगर आप पेपर देखोगे मैं हर समय रिकमेंड करता हूं कि अगर आप आईबी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको सिक्योरिटी पे लिखना चाहिए ऐसे मैंने तो वही लिखा था और जो मैंने पिछली बार जिन स्टूडेंट्स को रिकमेंड करा उन्होंने भी सिक्योरिटी पे लिखा है, they scored, they IB. IB में है भाई ठीक है एक इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन है एक सिक्योरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा नहीं है कि बाकी एसएस में मार्क्स नहीं मिलेंगे बट इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू

फ्रीडम national security. National security से हम पर क्या इंपैक्ट हुआ कंट्री पे इकोनॉमिकली क्या इंपैक्ट हुआ है सोशली क्या इंपैक्ट हुआ है Socially क्या इंपैक्ट हुआ है सिक्योरिटी में क्या इंपैक्ट हुआ, है? क्या हुआ है? अगला टेक्नोलॉजी इन अ ग्लोबल विलेज ग्लोबल विलेज का मतलब सिर्फ इंडिया की बात नहीं करी जा रही है टेक्नोलॉजी इन अ ग्लोबल विलेज इन द कंटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव हो रहा है टेक्नोलॉजी हाउ वी आर कनेक्टेड टूडे फ्रॉम मेटा टू फेसबुक टू व्हाट्सएप हाउ टेक्नोलॉजी इज बाइंडिंग और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं लिमिट्स टू डिसेंट इन डेमोक्रेसी अगर आप डेमोक्रेसी डिसेंट मतलब फॉर एक्जाम्पल अगर जैसे फाइव जज बेंच है उसका कुछ फैसला आता है उसमें से तीन जजेस के फैसले को माना जाता है क्योंकि तीन मेजोरिटी होगी और दो जज मानते नहीं है तो जो मानते नहीं उसको हम डिसेंट बोलते हैं मना करते हैं तो यानी कि डिसेंट जो डेमोक्रेसी में है उसकी कितनी लिमिटेशन हो सकती है यानी कि अगर आप हंगामे करते हैं प्रदर्शन करते हैं किस लेवल तक डिसेंट अलाउड है क्या रोड्स को ब्लॉक करा जा सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे फार्मर्स का आंदोलन हुआ था तो वो डिसेंट था तो किस लेवल पे करा जा सकता है क्या डिसेंट इतनी होनी चाहिए कि आम नागरिक प्रॉब्लम में आ जाए या फिर डिसेंट के अंदर आपको अलाउ करा जाएगा अपनी बात को किसी भी लेवल पे रखने के लिए चा, चाहे कोई परेशान हो या ना तो ये डिसेंट इन डेमोक्रेसी है उसके बाद लास्ट टॉपिक था मास कम्युनिकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी तो अगर आप देखेंगे पांच टॉपिक थे पांच टॉपिक थे पांच में से नेशनल सिक्योरिटी वन व्हाट सेवन डिकेट ऑफ फ्रीडम टॉट अस फ्रीडम का क्या इंपैक्ट पड़ा है सोशल इकोनॉमी सिक्योरिटी टू और लास्ट मास कम्युनिकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी थ्री डेमोक्रेसी में भी नेशनल सिक्योरिटी पर क्वेश्चन उठता है फॉर एग्जाम्पल जब फार्मर आंदोलन चढ़ा वहां पर सिक्योरिटी ऑपरेटर्स पे हुआ कि खालिस्तान की बात होने लगी और आम नागरिक भी उसमें पहचान हो सकता है आप इन सारे मुद्दों में देख रहे हैं कही कहीं ना कहीं सिक्योरिटी घूम रहा है एवरी वन कैन यू सी इन फर्स्ट सेकेंड फॉर दैट मैटर इन टेक्नोलॉजी विल टॉक अबाउट सिक्योरिटी इज रिवॉल्विंग इन वे अगर आपके सिक्योरिटी के मुद्दे क्लियर नहीं है तो इन पर लिखना डिफिकल्ट होगा सिक्योरिटी का एंगल दो में तो साफ लिख दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी मास कम्युनिकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी मास कम्युनिकेशन का मतलब है जर्नलिज्म आ गया आपका प्रिंट मीडिया आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया डिजिटल मीडिया आ गया इन सारी मीडिया की बात करी जा रही है ओके okay. और उसके बाद ये आया था आपका दो ऐसे आए थे इच क्वेश्चन कैरीज टू मार

ओके सिमिलर टू पेपर है ये उसके बाद है रीड द फॉलोइंग पैसेज राइट द प्रेसी इन योर ओन वर्ड्स नॉट मोर देन हंड्रेड वर्ड एक्सीडिंग यानी कि अगर आपने क्रॉस कर दी तो आपको नेगेटिव मार्किंग लगेगी इस प्रेसी राइटिंग का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है राइट इन वन थर्ड ओके इसके ऊपर दिव्या मैम आपसे आगे और डिस्कस करेंगी क्योंकि वो पेपर टू के अंदर प्रेसी राइटिंग और ये सब

शुक्र गुजार रहूंगा इस बात के लिए कि सिक्योरिटी मुद्दों पे कितने सारे आपके फ्रेंड्स है जो वेट कर रहे हैं कि, जे, कि एक बार रिजल्ट आ जाए फिर कोर्स ज्वाइन करेंगे बहुत सारे होंगे ऐसे मेजॉरिटी वही है दे आर वेटिंग एंड ज्वाइन लेटर ओके 2018 का देखते हैं पेपर नहीं ये था 2017 का जो 2018 डेट हुआ इसमें टॉपिक थे 17 दिस इज ऑफ 2017 सोशल मीडिया बून और बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज देखो सोशल मीडिया अभी 2017 18 में ये क्यों आया था कोई मुझे बता दे तो आई विल डेफिनेटली गिव यू अ चॉकलेट इफ यू मीट मी इन पर्सन डेफिनेटली आई विल गिव यू अ चॉकलेट समथिंग आई विल गिव यू अगर कोई मुझे बताए ये मुद्दा क्यों पूछा गया था इस टाइम पर बताओ बताओ अमृतसर बॉम्ब्लास्ट नो मोदी नो बिकॉज ऑफ सी अरे नहीं यारी डब्ल कहा गया दो हजार सत्रह अठारह की बात हो रही है गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द न्यूज चैनल सोशल डीफ बिकॉज ऑफ फेक न्यूज ठीक है अब सिक्योरिटी एजेंसी की बात करी गई है इसमें गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे वो स्पेसिफिकली लिखा है सिक्योरिटी एजेंसीज़ बुरहान वानी का नाम सुना है आपने उसने कश्मीर में मिलिटेंसी फैलाई थी सोशल मीडिया को यूज कर कर नाक में दम कर दिया था उसने इस टाइम पे ये जो अगर आप 16 सत्रह की बात करेंगे क्योंकि उस टाइम पे द सिक्योरिटी एजेंसी नॉट मतलब प्रिपेयर नहीं थी वो इसको यूज करने के लिए उसने ट्विटर पे अकाउंट बनाया और ट्विटर के ऊपर लिखने लगा लोगों के अगेंस्ट आर्मी के अगेंस्ट और रातों रात लीडर बन गया था वो और सिक्योरिटी एजेंसीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर नॉट वेरी मच प्रिपेयर्ड अगर आप जाओगे दो हजार बारह तेरह चौदह पंद्रह फॉर सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया ने नाक में दम कर दिया था उस टाइम पर उस टाइम उस पे उस उसने फेसबुक को यूज करा था ट्विटर को यूज करा था यू रिमेम्बर बुरहान वानी पता है कौन है कश्मीर का बहुत बड़ा मिलिटेंट था उसको जो ट्विटर पर उसने प्रोग्रेस अचीव करी इस बात के लिए उसको कमांडर बना दिया गया था ओके एंड इफ आई एम करेक्ट ही वाज पार्ट ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में जो मिलिटेंट ग्रुप्स उसमें जो लोकल मिलिटेंट ग्रुप है जो एल्टी को रिक्रूट करता local को, local या local है यानी लोकल कश्मीर यूथ को लोकल मिलिटेंट्स या लोकल टेररिस्ट बोलते हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन है अगर आप लश् तयबा तो जैश ए मोहम्मद की बात करेंगे तो इसमें लोकल मिलिटेंट्स कम है पाकिस्तान या पीओके अफगानिस्तान बेस ज्यादा होंगे ओके okay. तो देखिए अभी आपको कुछ नहीं बताया

सिक्योरिटी के मुद्दों से एसोसिएटेड थे तो जो मोटा मोटा निकल कर आता है कि पेपर टू के लिए सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इफ सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन जियो अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो इस पेपर को क्लियर करना टफ हो जाएगा इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनको देखेंगे इस कोर्स के अंदर ऑब्वियसली वी कैन नॉट सी एवरीथिंग बट जो हमारे पेपर से एसोसिएटेड है ज्यादातर जो मुद्दे पूछे जा रहे हैं वो इंडिया से एंटर किया या जिन पर इंडिया पे प्रभाव क्या पड़ रहा है तो उनको हम देखेंगे Uh, चाहे वो सिक्योरिटी हो सोशल इकोनॉमिक हो ओके तो इम्पोर्टेंट ऐसे जियो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन सोशलॉमिक आप यूट्यूब फॉलो करें क्योंकि अपडेट करता रहूंगा दैट्स द क्राक अगर आपका सिक्योरिटी स्ट्रॉग है आपका सिक्योरिटी आया पब्लिक जियो पॉलिटिक्स स्ट्रांग है आपका पेपर टू अच्छा जाएगा ट्रस्ट मी ऑन दस अगर आपका सिक्योरिटी

एंड uh, तो बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगा